नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज उत्तराखंड पूछेगा, पूरा उत्तराखंड पूछेगा। वैसे तो रोज पूछता है, लेकिन आज किस्सा वाकई हैरान परेशान करने वाला और दिलचस्प भी है। वैसे राजनीतिक गलियारों में खासतौर पर कहा जाता है कि उत्तराखंड में कभी भी कुछ भी घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार एक चिट्ठी, एक पत्र, एक पाती सियासी बवंडर का विषय बन गई। वो चिट्ठी जो कि मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश से जुड़ी हुई है, जो चिट्ठी उनके ओएसडी के लेटर हेड पर है, वो चिट्ठी जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार की नीति, नियत और मंशा पर। उस चिट्ठी में आखिरकार ऐसा है क्या और क्यों यह सियासी बवंडर की वजह बन रहा है? तो वो उस चिट्ठी में लिखा क्या है, पहले मैं उसका जिक्र कर देता हूं। ये चिट्ठी मेरे पास है और इस चिट्ठी को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे हमेशा की तरह। लेकिन इस चिट्ठी का पहले निचोड़ क्या है वो जान लीजिए। ये चिट्ठी है नंदन सिंह बिष्ट की, जो कि मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी हैं। वो लिखते हैं एसएसपी बागेश्वर को, ध्यान से सुनिएगा। एसएसपी बागेश्वर को उन्होंने लिखा, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के मौखिक निर्देशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 29/11/2021 को बागेश्वर यातायात पुलिस बागेश्वर द्वारा किए गए वाहन संख्या UK02CA0238 फिर एक और गाड़ी का नंबर UK04CA5907 के चलान को निरस्त करने का कष्ट करे, चलान को निरस्त करने का कष्ट करे। मौखिक आदेश मुख्यमंत्री का लिख रहे हैं उनके ओएसडी नंदन सिंह बिष्ट। बवाल तो होना ही था, सड़क से लेकर सदन तक संग्राम हो रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री और धामी सरकार, क्या खनन माफियाओं के साथ, और ये चलान निरस्त करवाने की बात क्यों की जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें। सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष हमलावर हो रहा है, और आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या वाकई ये वाकई गंभीर मसला है कि नहीं, और क्या ऐसे मामलों से सरकार की साख पर सवाल नहीं खड़े होते। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। पवन चौहान जुड़ेंगे बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी जुड़ेंगी जो कि प्रवक्ता हैं पार्टी की, साथ ही कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने इन्हीं मेहमानों की तरफ। रिपोर्ट देखिए। ये चिट्ठी, ये पत्र इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में सियासी तूफान लाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट ने बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक को अपने लेटर हेड पर जो पत्र लिखा वो सियासी बखेड़ा खड़ा कर गया। इस पत्र में सीएम के मौखिक आदेशों का जिक्र किया गया है, पुलिस के पकड़े गए तीनों वाहनों का चलान निरस्त करने की बात तक कही गई है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। इसके बाद सीएम के पीआरओ को वैसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ये सियासी बखेड़ा जरूर खड़ा कर गया। अब कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा मानकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सवाल उठा रहे हैं कि पीआरओ के लेटर हेड मामले के बाद सरकार को अब सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री को अब पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, तत्काल सीएम इस्तीफा दे। चिट्ठी में साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री ने मौखिक आदेश दिया है, पीआरओ ने तो सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन किया है, सरकार ने आदेश जारी किया था। जो आरोप जो है विपक्ष सरकार पे लगा रहा है, सरकार उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। जिस पीआरओ को आज मुख्यमंत्री जी ने हटाया है, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है
कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है तो सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, सरकार खनन माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही है, इस पत्र के माध्यम से सरकार की पोल खुल गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए, मुख्यमंत्री को खनन प्रेमी बताया। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह या फिर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सभी खनन के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरते हुए आए हैं। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी पत्र आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा हथियार बन गया है। देखिए, ये जो चिट्ठी का मामला मुख्यमंत्री के पीआरओ ने बागेश्वर के एसएसपी को लिखा है कि जो अवैध खनन में जो ट्रक संलिप्त थे उनको छुड़ाया जाए, उनका चालान निरस्त किया जाए, एक सामान्य घटना नहीं है, एक संगीन घटना है। इस प्रकार के मौखिक आदेश न जाने कितनी इस सरकार ने दे दिए होंगे। ये एक आदेश हमारे संज्ञान में आया है, हमने पकड़ा है, और ऐसे ही कई आदेश इस सरकार से यहाँ पर गए हुए हैं, और यही बदहाली का कारण है कि यहाँ पर जो माफिया पैरेलल सरकार को चलाता है और सरकार ही खुद जिसका संरक्षक है, तो ऐसे में उत्तराखंड कैसे विकास कर सकता है। वहीं वायरल हुई इस चिट्ठी के बाद सरकार की जमकर फजीहत हो रही है, सरकार नीति और नियत पर खड़े हो रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि इसकी जांच होगी। ये मामला मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने अपने पीआरओ को सस्पेंड कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करने के मुद्दों की तलाश में है। ऐसे में विपक्ष के पास सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा आ गया है। वहीं सरकार सफाई देने पर जुटी है, लेकिन सवाल कही है, सवाल यही कि आखिरकार इस चिट्ठी में सच्चाई कितनी है। अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो सरकार के माथे पर यह कलंक साबित होगा। उत्तराखंड से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने का अब वक्त भी हो चुका है, और पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है कि आखिरकार इस पत्र के मायने क्या है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पवन चौहान जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। उमा सिसोदिया जी जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन पवन जी, मेरा ऑडियो आपको आ रहा है, तो मेरा सवाल आप ही से है। वो पत्र देखा आपने? जी देखा, पत्र देखा है मैंने। कैसा लगा आपको वो पत्र? हैरानी हुई आपको? नहीं, पत्र हैरानी हुई आपको? पत्र हैरानी क्यों, हैरानी की बात थी तब तो उसको बर्खास्त किया गया है। देखिए, पत्र लिखना, इसीलिए तो आप आज सवाल पूछ रहे हैं ना, सवाल पूछने का भी इसीलिए है कि उसने पत्र लिखा, और पत्र मौखिक मुख्यमंत्री ने आदेश दिए नहीं दिए ये कोई जवाबदारी तो उसकी, अगर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया तो बर्खास्त नहीं करते उनको। बर्खास्त इसलिए किया गया कि गलत किया उन्होंने, गलत काम किया तो उसको बर्खास्त कर दिया। यानी किसी के पास कोई भी मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसा कर सकता है, वो भी मुख्यमंत्री की ओएसडी? आपको हैरानी नहीं इस बात को लेकर? इसीलिए तो एक घंटे में बर्खास्त कर दिया ना, इसीलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि ये पहले वाली सरकार अच्छा। नहीं है कि बताने ऐसे, लगी ऐसे, तो उसको ऐसे मामलों से, ऐसे मामलों से आपकी साख पर सवाल नहीं खड़े होते आपको लगता? सवाल जब खड़े होते ना, जब हम पूर्व की सरकारों ने क्या क्या गुल खिलाए थे फिर भी वो बताने में लगे पड़े थे, हम ऐसा नहीं कर रहे ना, हमारी साख पर कब सवाल होगा? जब हम गलत नहीं है तो साख पर सवाल क्यों? ये तो उसने गलती की थी तो उसका खामियाजा उसने भुगता। इसमें मुख्यमंत्री हमारे पवन चौहान जी, ये तो गली गली वायरल हो गया, ये चिट्ठी तो वायरल हो रही है। चिट्ठी वायरल हो गया, एक और जांच का विषय है। अभी किसी दर्शक ने हमारे पास
एक सूची जानकारी भेजी, उन्होंने कहा कि इनमें से एक ट्रक का तो बकायदा वैधता ही मान्यता जो है वो खत्म हो चुकी है और उसकी पैरवी की जा रही थी। अब ये जांच का विषय है कि नहीं है? नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जा रही थी, ठीक है, वो मुख्यमंत्री में कार्यरत थे, पवन जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जा रही थी पवन जी भाई, मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही होती तो बर्खास्त थोड़ी करते, उसको बताते, कुछ और जवाब देते, पवन जी देते, उसने गलती की थी उसको बर्खास्त किया। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं। हेलो जी, रखिए अपनी बात रखिए सर। मैं कह रहा हूँ हमें जवाब देने के, हम तो साफ सुथरे हैं, हम पूर्व की सरकारों की तरह बचाव की मुद्रा में नहीं है। हमारे आदमी ने गलती की वहां बैठ करके, बहुत बड़ी गलती की है, उस गलती का खामियाजा ये है कि उसको वहां भुगतना पड़ा, उसको वहां से हमने हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। जी ओके, वो कह रहे बर्खास्त कर दिया, बात खत्म हुई। देखिए कितनी कितनी ईमानदार सरकार है हमारी कि इनके ओएसडी चिट्ठी लिख देते हैं और उसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। आप क्यों खामा का हल्ला काट रहे हैं? कितनी ईमानदार सरकार है, देखा आपने? नहीं नहीं, ईमानदार है सरकार, सरकार उसकी जांच कराएगी, सरकार उसकी जांच कराएगी, ईमानदार है सरकार। सर मैं वही कह रहा हूँ, नहीं है पूर्व की सरकारों में तो घोटाले हुए, जिस तरह की गड़बड़ियां हुई उसको बताने के लिए मुख्यमंत्री लगे रहते थे। पवन जी पवन जी, मैं समझ गया, आप लोकायुक्त भी ले आए, 56 घोटाले जो तिवारी जी के शासनकाल में हुए थे उसका भी खुलासा आपने कर दिया, ढैचा बीज प्रकरण भी आपने खुलासा कर दिया, कुंभ घोटाला भी आपने खुलासा कर दिया, सारे खुलासे आपने कर दिया, मान रहा हूं इस बात को, लेकिन इस जी सर वो 56 घोटाले लोकायुक्त भी ले आए सर, खंडूरी जी ने सपना देखा था, आपने पूरा कर दिया। थैंक यू, घोटालों में जेल गए लोग, उमा जी घोटालों में जेल गए आप लोग और जा रहे, घोटालों में एक मिनट पवन जी, पवन जी और जा रहे, उमा जी, पवन जी प्लीज एक सेकंड प्लीज, अभी मैं उस विषय में आऊंगा तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, एक सेकंड प्लीज, उमा जी अपनी बात रखिए, अपना म्यूट हटा लीजिएगा मैडम प्लीज। बस मैं सिर्फ इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि ये तो एक चिट्ठी थी जो किसी तरह वायरल हो गई। उमा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए ताकि आप, आपकी आवाज पहुंच पाए हमारे तक। आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कर लीजिए मैडम प्लीज। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो एक चिट्ठी थी आप जो वायरल हो गई और जो वायरल हो गई और जो पूरे समाज को, पूरे उत्तराखंड को पता चल गया कि इस तरह के मौखिक आदेशों पर ही मुख्यमंत्री जी के काम किया जाता है और गलत काम किया जाता है। कोई सही काम नहीं था कि किसी बच्चे के एडमिशन के लिए बोला गया था या किसी गरीब का अस्पताल में इलाज कराने के लिए बोला गया था, चालान काटा जा रहा था बाकायदा, और चालान जो राजस्व हमारी सरकार को मिलता है उस राजस्व में कमी हुई है, वो राजस्व नहीं मिला। और इस तरह की बात कहना कि उनको हमने जो है बर्खास्त कर दिया, भाई अब जब चोर पकड़े गए तो बर्खास्त तो अपनी गर्दन बचाने के लिए तो बर्खास्त आपको करना ही पड़ेगा ना। तो मेन बात यह है कि इस तरह की खाली एक चिट्ठी की बात नहीं है, पता नहीं कितने अनगिनत काम इस तरीके से हो रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में। और जिस तरीके से एक पैरेलल सरकार यहाँ पर चल रही है, हम बार बार बोलते हैं भ्रष्टाचारियों की एक पैरेलल सरकार उत्तराखंड में चल रही है, इतने संसाधनों वाला हमारा प्रदेश, इतने 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 मतलब बेहतर संसाधन हमारे प्रदेश में, उसके बावजूद भी हम एक विमानु राज्य बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यही सब कुछ है कि जब एक एक व्यक्ति का स्कूटर, एक व्यक्ति की जो भी गाड़ी है वो पकड़ी जाती है और मुख्यमंत्री जो है मौखिक आदेश पर उसको छुड़वाने का प्रयत्न करते हैं, भाई जो भी 1,000, 2,000, 5,000 का जो भी चालान कटना था कट जाने देते, कम से कम हमारे राजस्व तो मिलता है, हमारी सरकार को हमारे खजाने में कुछ पैसा तो आता। ऐसे तो अनगिनत लोग, पवन जी जवाब दीजिए, कितने चल रही होंगी, पवन जी जवाब दीजिए, ओवरलोड ट्रकों को छुड़वाने के लिए आदेश, क्या गजब कहानी। ओके अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ अभी उमा जी कह रही है 5,000, 10,000 के लिए कोई फोन करेगा क्या मुख्यमंत्री के यहाँ से? इतनी पैरवी होगी क्या मुख्यमंत्री? आप मान लीजिए सार्वजनिक रूप से मानिए ना इस बात को, क्या मुख्यमंत्री 5,000, 10,000 के लिए फोन करेंगे? अरे वो, अरे हमें पता है उमा जी, हम जानते हैं आप लोग एक देश का इतना बड़ा हमारा सीडीएस के वो बन गए, उनको लिए उनका खेद प्रकट नहीं कर पाए आप लोग क्या बात करते हैं? मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री का इस तरह नहीं गिर गया है। हमें पता है, आप उमा जी सुनिए, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं हमेशा, हम हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमारे सामने राष्ट्रवाद आपका फेल है, आप कुछ नहीं है, आप तो दुनिया को झुंझुना थमाने वाले लोग हैं, हम वो नहीं है।
मुख्यमंत्री 5-10 हजार के लिए फोन करेंगे? अरे आप सुनिए ना, अरे आप चिल्लाइए मत, सुनिए पहले मेरी बात। अरे आपको आनी चाहिए शर्म, शर्म आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए शर्म। आप आपको शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। उमा जी प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड, पवन जी प्लीज एक सेकंड, उमा जी प्लीज मेरी बात सुनिए। पवन जी आप क्यों कह रही है शर्म आनी चाहिए? पवन जी प्लीज एक सेकंड, पवन जी प्लीज एक सेकंड, उमा जी, उमा जी प्लीज एक सेकंड, पवन जी प्लीज एक सेकंड। इस देश का एक नया हीरा खोया है, इस देश का एक नया हीरा खोया है। उस हीरे के लिए आपको खेत प्रकट करने की फुर्सत नहीं हुई, आप क्या बातें करेंगी? आपका नेता, मैं आपके नेता की बात कर रहा हूँ। पवन जी एक मुख्यमंत्री, पवन जी एक सेकंड, पवन जी एक मुख्यमंत्री, पांच दस, पवन जी प्लीज, पवन जी मुख्यमंत्री आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमें क्यों नहीं बताने का, आप हमें बताएंगे? पवन जी प्लीज आप हमें बताएंगे, आप हमें बताएंगे क्या? उमा जी अरे आकर डूबा, आप डूबे हैं, हमें बताएंगे आप? कैसे कह दिया शर्म आनी चाहिए? पवन जी शर्म आने शब्द, पवन जी उमा जी, उमा जी उमा जी प्लीज एक सेकंड, उमा जी प्लीज, उमा जी प्लीज एक सेकंड, पवन जी, पवन जी प्लीज, पवन जी प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। मैं आप लोग एक एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। सीडीएस विपिन रावत सबके लिए सम्मान्य है, वो सबके दिलों में बस गए, वो इतिहास लिखने वालों में से थे। प्लीज मेरी राजनीति का हिस्सा मत बनाइए उन्हें। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये देश हमें कभी माफ नहीं करेगा अगर हम इसे राजनीति का हिस्सा बनाए। मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप दोनों सम्मानित है प्लीज। मैं मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, ऐसा कहना चाहिए क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीडीएस के मसले पर प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस पर कोई राजनीति। मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये पत्र जो जारी हुआ, ये पत्र जो सामने आया, अवलोक को छोड़ दे की बात, मैं कह रहा हूँ कि क्या आपकी साख पर सवाल नहीं खड़े होते इससे? मैंने आपको बैठते ही फैर स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र लिखना बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या 5-10 हजार रुपए के लिए सिफारिश करेंगे? वो भी ओएसडी को ये कह के लिखित में पत्र भेज दीजिए। चालान कितना का हुआ? 20 लाख का हुआ क्या चालान? चालान 5 हजार का, 10 हजार का? 10 हजार के लिए मुख्यमंत्री कहेंगे क्या? सोचने की सामान्य ज्ञान की बात है। और मुख्यमंत्री के ओएसडी ने लिख दिया, मान लो वो उस सीट पर बैठकर लिख दिया तो उसका भुगत लिया ना, खामियाजा उन्होंने भेज दिया ना, घर बेइज्जती हुई ना, मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ रहा है, हमें भी देना पड़ रहा है। इसीलिए कि वहां बैठ करके उस कार्यालय में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ओके, गुल मोहम्मद मेरे साथ जुड़ गए, एक सेकंड पवन जी, पवन जी आपने पक्ष रखा, आप सुन लीजिए। गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। गुल मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हरकत की उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, बात खत्म हुई, आप लोग बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। बात खत्म, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप पहले तो गलतियां करते हैं। एक मुख्यमंत्री जी के स्टाफ द्वारा, मुख्यमंत्री जी के कहने से, एक खनन प्रेमी जिनको आज पूरा उत्तराखंड कह रहा है खनन प्रेमी है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके यहाँ से गाड़ी छुड़ाने के लिए उनके औषधि चिट्ठी जारी करते हैं एक SSP साहब को, तो क्या ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात नहीं है? फिर रही दूसरी बात, आप कह रहे हैं कार्रवाई कर दी, सिद्ध भी आपकी हो रही है, पट भी आपकी हो रही है। अब शासन द्वारा आप आज एक लेटर और जारी करते हैं, उसमें लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के जितने भी प्यारों हैं, जितने भी औषधि हैं, उनकी तरफ से कोई लिखित आदेश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपने फिर स्टाफ किस लिए रखा हुआ? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जनता से संपर्क करके क्या मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता से रोज कितनी जनता से मिल पा रहे हैं? इनके पास है इस बात का जवाब? जब उनके प्यारों, जनसंपर्क अधिकारी, उनके ऑयल्टी जनता से संपर्क में नहीं रहेंगे तो क्या मुख्यमंत्री रहेंगे? और अगर मुख्यमंत्री जनता के संपर्क में है या जनता की बातें को सुन रहे हैं या जनता जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने लोगों से रोज मिल रहे हैं और कितनी समस्याएं वो सॉल्व कर रहे हैं उनकी, और क्या क्या धरातल पे क्या हो रहा है? और ये खनन प्रेमी, ये खनन इतना प्रेम इनका बढ़ चुका है
सरकार का खनन माफियाओं के लिए कि इन्होंने अब ये हद पार कर दी कि चिट्ठियां जारी करके जो है पुलिस पे दबाव प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है। और उससे पवन जी तो ये पवन जी वो ये कह रहे हैं कि आप खनन प्रेमी हैं, इस बात का सबूत है, ये खनन प्रेमी हैं, आपकी मोहब्बत है सरकार के मुख्यमंत्री जी को, तो ऐसे थोड़ी ना आपने यहाँ से इतना प्रेम बढ़ा दिया, इतना प्रेम बढ़ा दिया, आप विकास की तरफ तो देख ही नहीं रहे, आप तो खनन की तरफ देख रहे हैं। गुल मोहम्मद जी, गुल मोहम्मद जी, गुल मोहम्मद जी, अब बात सुन लीजिए पवन जी की, गुल मोहम्मद जी, आप पवन जी की बात सुन लीजिए, पवन जी खनन प्रेमी हैं। मेरा ये जी जी मैं बता रहा हूँ, मैं सारी बात बता देता हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इनसे ये परेशान है मुख्यमंत्री से, युवा यशस्वी मुख्यमंत्री रोजाना हजारों लोगों से बात करते हैं, रोजाना 24 घंटे वो सेवा करने में लगे हैं लोगों की, ये हमें क्या समझाएंगे, हम लोग जनता से ही मिलने वाले लोग हैं। अरे बात में मुझे एक बात का मुझे जवाब देंगे भाई साहब, अभी तक प्रदेश में अभी तक प्रदेश में 5 साल हो गए हैं भाजपा सरकार को, मुझे कोई एक ऐसा आंकड़ा बता सकते हैं ये कि इन मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक कितने लोगों के साथ जन समस्याएं समाधान करी हैं, या कितने लोगों से जनता दरबार लगा कर मिले हैं, आप देखो ना, जाओ ना, ये बता बता दीजिए कितने लोगों की समस्या है, कितने लोगों की मुख्यमंत्री जी ने समस्या सुनी है, कितने लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, हजारों में संख्या है, हजारों में हजारों की संख्या में नहीं है, आप मुख्यमंत्री से आपके कार्यकर्ता ही नहीं मिल पा रहे, आम जनता तो बहुत दूर की बात है, आप तो सिर्फ खनन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है सरकार द्वारा, हमारे और जनता को इस समय हमारे यहाँ ऐसा जनता बेरोजगार है, महंगाई की तरफ प्रदेश बढ़ गया है, महंगाई चरम पर है, प्रदेश के अंदर युवा साथी सब बेरोजगार है, रोजगार खत्म हो चुका है, महंगाई चरम पर है, पवन जी रोजगार दिए थे, मुद्दे पर पवन जी कितनी जनसंख्या, गुल मोहम्मद प्लीज, ये चिल्लम चिल्ली नहीं, गुल मोहम्मद जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, एक एक करके आपने सवाल उठाया, आप जवाब भी ले लीजिए ना, सत्ता में जो है उनसे जवाब लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए साहब, उन्हीं से बात है जी, प्लीज अपनी बात रखिए पवन जी। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हमारे आज यही मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रदेश के उनके ऊपर उंगली में उठा रहे थे, वो सुन रहे हैं, कितनी हंसने वाली बात है, जो हजारों लोगों से रोजाना मिल रहे हैं, जो उनके लिए कोई ताबत नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी रात दिन उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति तारीफ कर रहा है, एक एक व्यक्ति उनका, मैं इतना जानना मैं पवन जी ऐसे मुख्यमंत्री पवन जी कह रहे लोगों से नहीं मिल रहे, पवन जी देखिए उमा जी मेरी बात सुनिए, ओके पवन जी आकर सुन लीजिए ना, अब हो गया, आपने इतनी घोषणाएं कर दी, रोज इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, मील का पत्थर स्थापित कर दिया, पूरे उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है, मैं एक बात जानना चाहता था, हरीश रावत जी की तरह की घोषणा नहीं कर रहे हम जी जी, आप हरीश रावत जी की अगर बात करें तो हरीश रावत जी ने पूरे विधानसभा में, अरे हमें पता है हरीश रावत जी ने विधानसभा के सत्र के दौरान रावत जी को तभी तो दो रेजा राजा चुनाव आपने समस्याओं का समाधान किया, हरीश रावत जी को आप क्या पवन जी उमा जी पवन जी पवन जी जन समस्याओं को सचिव पवन जी में आज तक इतने चुनाव कोई नहीं आ रहा, गुल मोहम्मद जी आ रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं आप, एक में मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ, हेलो पवन जी विषय पे आ जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चिट्ठी किसी गरीब को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए लिखी होती ना, सर सुनिए मेरी बात, अगर किसी गरीब को एडमिट करवाने के लिए ये चिट्ठी लिखी गई होती तो बहुत अच्छा होता, मैं ऐसे सैल्यूट करता उनको कि भाई देखिए कितना अच्छा काम किया कि अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए गरीब को जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश पर एसएसपी को चिट्ठी लिख दी, सीएमओ को चिट्ठी लिख दी और कहा कि इस गरीब को एडमिट कराया जाए, इसके परिवार की पीड़ा को दूर किया जाए, लेकिन यहां यह कहा जा रहा है कि इनके चलान निरस्त किया जाए, और उसमें से एक जो है, एक गाड़ी, हैरानी की बात यह है उमा जी, एक गाड़ी जो सवाल खड़े कर रही है कि एक गाड़ी क्या वाकई जो है जिसका टाइम ही खत्म हो गया था, वैलिडिटी खत्म हो गई थी, उसका चलान भी निरस्त करवा रहे हैं, और आपको पता चल गया है, ऐसी अनगिनत न जाने और कितनी चिट्ठियां इस समय चल रही होंगी जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मौखिक आदेशों पर काम करवा रहे होंगे, तो मैं समझती हूँ कि एक भ्रष्टाचार की एक पैरेलल सरकार इस समय उत्तराखंड में चल रही है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारा जो राज्य है वो बीमारू राज्य बना हुआ है। ये बार बार सभी लोग बोलते हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं,
बिल्कुल, मैं इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, लेकिन भाग और दौड़ किसके लिए की जा रही है? क्या इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, इन खनन माफियाओं को बचाने के लिए, ये जो राजस्व का नुकसान हो रहा है इसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी दौड़ रहे हैं? और अभी ये कहना कि भाई कोई ओएसडी नहीं लिखेगा, वो तो बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए था। जब मुख्यमंत्री जी की गर्दन फंस गई है तो ऑब्वियसली किसी न किसी के ऊपर तो गाज गिरेगी, तो चलिए ठीक है ओएसडी साहब के ऊपर ही गिरा दी जाए। तो मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इसके सामने आकर, मीडिया के सामने आकर जरूर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए और बिल्कुल बताना चाहिए कि कहाँ पर किस उस पर आकर इनसे ये गलती हुई है, कि भाई क्या कहा गया था और उसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, तभी मैं समझती हूँ कि विवाद का कुछ हल निकलेगा, अदरवाइज तो ये विवाद इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। पवन जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स ये लिखे कि भैया मुझे सीएम साहब ने मौखिक आदेश दिया है और गाड़ी नंबर ये है, एसएसपी साहब आपको ये बात माननी पड़ेगी और ये बकायदा निर्देश जारी हुआ है और मौखिक आदेश दिया है उन्होंने, क्या ऐसा कोई ओएसडी लिख सकता है आपको लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी हिंदुस्तान में मान लो कोई कर रहा है तो चोरी करने वाला चोर होता है या सारे बस वो में एक सवार कोई व्यक्ति गड़बड़ कर जाए, कंडक्टर गड़बड़ कर जाए तो ड्राइवर भी उसको इन्वॉल्व हो जाएगा क्या? दूसरा मेरा ये कहना है उसने गलती की और मुख्यमंत्री, ये एक सामान्य ज्ञान अच्छा। की बात है, क्या मुख्यमंत्री 5-10 हजार के चालान के लिए चिट्ठी लिखवाएंगे? आप सोचने की बात है, ठीक है, मगर चिट्ठी उल्लंघन है। हाँ बिल्कुल उल्लंघन है, मैं कह रहा हूँ तभी तो बर्खास्त किया उसको, नहीं तो क्यों करते? कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, कानूनी कार्रवाई? अरे मैडम हम जानते रहे, आप लोग मैडम, उमा मैडम, तो आप बता दीजिए ना कितने पैसे का चलान बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद लिखवाते हैं कि भाई अच्छा 20 लाख का चलान बचाना, चलो मैं तो कितनी लिख दो, वो आपको पता होगा केजरीवाल जी लिखते हैं ना, वो आपको पता होगा केजरीवाल जी कितने में लिखते हैं, वो केजरीवाल जी कितने में लिखते हैं वो आपको पता होगा। अरे मैं कह रहा हूँ आप बेटो उनको बीच में बोलना बंद करिए, आप बताइए ना कितने के लिए लिखेंगे? अरे मैं बता रहा हूँ, बड़ी सुनोगी तब तो बताऊंगा, केजरीवाल जी कितने में लेकर लिखते हैं वो बताइए, केजरीवाल जी कितने में लेकर कितने के लिए लिखते हैं वो बताइए पहले आप। तो पुलिस आपके पास नहीं ना, ले देखे केजरीवाल है उनकी बता दीजिए, पकड़ लीजिए ना जैसे, अरे पकड़ रखा है, यहाँ आकर के झूठी घोषणाएं करने वाले लोग दिल्ली मानसून पर बैठे हैं, वहाँ टीचर अध्यापक और यहाँ झूठी घोषणाएं कर रहे हो, ये उत्तराखंड है, यहाँ तुम्हारी बात कर रहा है, यहाँ आप लोगों की कोई बात नहीं करने वाली है, ये उत्तराखंड है मैडम, मैडम अरे गिरबान में आप जाइए, आपकी गिरबान बेकार है, अरे आप जाइए अपनी गिरबान में मैडम, आपकी गिरबान बेकार है, मैं कह रहा हूँ महिला से देखिए बीच में नहीं बोल रहा है, स्वीकार कर लिया आप उसका बगरबान में दिन का ताट बनाने वाले लोग और वो बनाने सारे भ्रष्टाचारी गलत काम करने वाले हैं, सारे भ्रष्टाचारी, सारे राष्ट्रद्रोही, सारे राष्ट्रद्रोही हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं, हरीश रावत जी के लिए अभी बोल रहे थे, हरीश रावत जी ने पूरी सरकार को बताने के लिए, अगर 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 हरीश रावत जी भ्रष्ट है तो आप मुख्यमंत्री बदल दीजिए, भ्रष्ट नहीं है, अरे हमारे हमारी पार्टी पवन जी सवाल ले लीजिए, पवन जी सवाल ले लीजिए, उमा जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड उमा जी उमा जी प्लीज एक सेकंड, जनता जानती है कि आपसे पूछकर नहीं करेंगे हम, उमा जी प्लीज एक सेकंड, और उत्तराखंड की जनता सब जानते हैं कि एक सेकंड उनका स्टिंग हुआ है, कानूनी कार्रवाई बताइए, गुल मोहम्मद मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, गुल मोहम्मद जी एक सेकंड, कानून का उल्लंघन हुआ आप खुद मान रहे हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या हुई उनके ऊपर? अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया आपके मुताबिक तो कानूनी कार्रवाई क्या बात कर रहे हैं, ये कानूनी कार्रवाई हुई? मैं कानूनी कार्रवाई पूछ रहा हूँ सर, अरे मैं जांच करके तो कानूनी कार्रवाई होगी ना, बर्खास्त कर दिया ये कानूनी कार्रवाई तो है, बर्खास्त कर दिया कानूनी कार्रवाई, पहला कदम तो यही है, ये कानूनी कार्रवाई, उसके बाद में अगर गलत किया मुकदमा होगा, जेल जाएगा, सारे काम होंगे, या हमारी वो केजरीवाल की और हरीश रावत की सरकार नहीं है, ये धामी की सरकार है,
सारे काम अच्छे करेगी। हाँ हाँ वो ये मैं समझ गया सर, बढ़िया कही। हाँ सर वो स्कूटर के नंबर याद है सर, स्कूटर के नंबर परेड ग्राउंड वाले 2014 में स्कूटर के नंबर याद है, दोस्तों जाऊंगा चलेगा स्कूटर के नंबर। एक एक रुपए की ले भी आदमी लड़ने लग जाता है। जी जी हाँ स्कूटर के नंबर जो है अब केजरीवाल की सरकार है, आपने छुपा है। ओके अब समझ गए। ओके गुल मोहम्मद सवाल ले लीजिए। आपको कहीं एक रुपया नहीं लगवाया जाएगा। गुल मोहम्मद शोर मचाएंगे, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। गुल मोहम्मद सवाल लेना चाहेंगे आप? मैं सवाल पूछ लूं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। आप शोर मचा रहे हैं बेवजह। मैं नहीं मचा रहा हूं, मैं उनकी मैंने उनकी बात सुनी तो मैंने जवाब दिया। गुल मोहम्मद जी जी आप जवाब, मैं आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिए ना साहब। उमर जी भी तो जवाब दे रही है ना, आप एक सेकंड सवाल तो ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि हमने कानूनी कार्रवाई भी कर दी, हमने उनको बर्खास्त भी कर दिया, उनको पद से भी हटा दिया। अब ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के मसले को लेकर तो एक दूसरे के दामन पर आप दाग तो दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का इतिहास बहुत पुराना है। आप कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों पर गाद गिरा दी। कभी आप लोगों ने सोचा कि अधिकारी किसकी शह पर जो है ये घोटाले कर जाते हैं? 56 घोटालों से लेकर 156 घोटालों की फाइल बनी। उत्तराखंड में लोकायुक्त का सपना देखा खंडूरी जी ने, और खंडूरी जी के सपने को तार तार किसने किया? अब जवाब दीजिए गुल मोहम्मद साहब। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी पवन साहब ने एक बात कही कि ये ना केजरीवाल की सरकार है और ना ये हरीश रावत जी की सरकार है, ये धामी सरकार है। तो मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, धामी सरकार इस समय खनन प्रेमी है। आप अगर चालान की बात करेंगे, आप जनहित की बात करते हैं, अगर जनहित के मामले पहले वो बताइए जनाब, तो जनहित अब मेरी बात सुन लीजिए आप पवन जी, थोड़ा सा सुन लीजिए। लोगों के स्कूलों की चार चार पाँच पाँच छह छह महीने साल भर की फीसें थी। अगर मुख्यमंत्री अगर भाजपा चाहती या ये कह रहे हैं धामी सरकार है, तो उनको उस गरीब जनता पे ध्यान देकर उनकी स्कूलों की फीसें माफ करानी थी, जनहित में काम करना था, ना कि गुल मोहम्मद जी जिन्होंने अपने 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 खून पसीने की कमाई स्कूलों को दे रहे हैं। अब आज बेरोजगार है जनता, रोजगार बिल्कुल नहीं है, महंगाई चरम पर है, सिलेंडर 1000 रुपए का है, पेट्रोल 100 रुपए का है। अगर आपने दो दो मुख्यमंत्री बनने, क्योंकि यही कारण है, क्योंकि आपने खनन प्रेमी बनना था, आपने विकास कहाँ सोचा है, आपने विकास की तो बातें नहीं करी। आप मुझे एक बात, मुख्यमंत्री ही बदलने डाले, डबल इंजन की मेरी बात करी, आपने चार इंजन लगा दिए। पवन जी उमा जी गुल मोहम्मद हो क्या रहा? गुल मोहम्मद बहुत नारे लगा रहे हो यार, प्लीज एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक चलान है 13,000 का, एक चलान है 14,200 का, एक चलान है 15,600 का, और कुल मिलाकर ये चालान हुआ 42,800 रुपए का, यानी राजस्व का चूना। अगर ये आंकड़ा सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए, अगर ये आंकड़ा सही है तो। पवन जी ये 42,800 रुपए, ये सिर्फ 42,800 रुपए संख्या नहीं है, मसला ये उस नियत का है जहां से एक शख्स ये कह दे कि भैया बात खत्म करिए और इन तीनों को चालान को निरस्त कर दीजिए। अब ऐसे कितने पहले हुए होंगे और कितने बाद में हुए होंगे, वाकई जांच होनी चाहिए ना, आप ये मांग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम करवाएंगे जांच। हम ये कह रहे हैं, मैं एक सामान्य सी बात, देखिए ये राजनीति करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा किसी के पास नहीं है, ये भाजपा को रोकने के लिए जहां तक भी जा सकते जाएंगे, सब जानते हैं इनको, पूरा देश जान गया इनको, और नरेंद्र मोदी दुनिया का नेता बना रहेगा। मैं यानी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की चिट्ठियां कोई आम बात है, इस पे सवाल नहीं पूछे चाहिए। अरे भाई साहब मैंने पहले स्वीकार कर लिया कि चिट्ठी वास्तव में गलत है, मैंने बार बार कहा, लेकिन मुख्यमंत्री उमा जी मैडम फिर कहेंगे मुकदमा करती हूँ, आप तुम तो लीजिए बात, फिर आप मुकदमे की धमकी देने लग जाओगी अपने विधानसभा में। अरे मैं बता तो रहा हूँ, फिर आप कहीं मुकदमा कर दूंगी मैं, पहले सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बैठते ही कहा चिट्ठी गलत है, बहुत गलत है, नहीं लिख रहा, कानून का उल्लंघन है,
मैंने ये भी कहा कि उसका हाथों हाथ उस पर कार्रवाई होगी, बर्खास्त कर दिया। मैं ये भी कह रहा हूँ उसकी जांच होगी, और ये सबको मानना, देश प्रदेश की जनता मानती है। लोग जो बोलते हैं ये मुख्यमंत्री 40,000 रुपए के लिए फोन नहीं करेंगे, 40,000 के लिए किसी नहीं लिखवाएंगे, और कोई भी इतना बड़ा व्यक्ति, मैं 40,000 की बात मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री ने किया। ना उनको पवन जी, पवन जी, मैंने तो शुरू में ही कहा कि एक मौखिक आदेश जो है अस्पताल में गरीब के इलाज के लिए अगर लिख दिया होता तो साहब मैं तो सैल्यूट कर देता। स्कूलों में दिखाना था कोरोना काल में, एक बार मैं अभी विधानसभा गया था, एक बेचारा गरीब बैठा हुआ था। सुनिए पवन जी, वो कह रहा था कि भैया इलाज करवा दो, हमारा हमारी पत्नी की तबीयत खराब है, और विधायकों से गुहार लगा रहा था विधानसभा के बाहर खड़े हुए। मैं आपसे विनती, अब बताइए कोई उसके लिए चिट्ठी लिखेगा? मैं कल की बात कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने गरीबों के लिए स्वास्थ्य के लिए कितना सोचा होगा, फ्री इलाज के लिए पहली सरकार ने किया है, और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने तो 25,000 परिवारों को दिया है घरेलू सिलेंडर, 15 दिन दिया है भाजपा सरकार में, 7,000 रुपए का सिलेंडर है, उन और गरीब के लिए जो हमने हेलीकॉप्टर भी लगाया है उसको लाने के लिए, उन मजदूरों से हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं सिलेंडर की सरकार है भारत में। कौन से हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं पवन जी? महिला लाए ना जब वो एक महिला तड़प रही थी रात में, झूठ उतना ही, मैं बता रहा हूँ ना, हजम हो जाए। अरे भैया हजम हो जाए इतने, अरे झूठ नहीं बोलते, झूठे लोग तो हर लोग हैं। अरे भैया मेरी बात तो सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले करके जाते हैं, चुनाव का टाइम है तो ऐसे टाइम में जुमले और निकल निकल के बाहर आ जाते हैं आप लोगों के। अरे हम फिर चुनाव जीत रहे हैं, ये जुमले आपको दर्द करते हैं, ये जुमले नहीं है सच बात दर्द करती है आप लोगों को। फिर सरकार बन रही है, सुन लीजिए, फिर सरकार बन रही है, केंद्र में तो लेगी भी हानि बन रही है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए, लपेटने के लिए सीमा होती है, हमने कितना लपेटेंगे और जनता भी कितना लपेटेगी आपकी बात। अरे आप बताओ ना उनको, हम लपेट रहे हैं, आप है तो बताने के लिए, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, लपेटेंगे तो तुम बताओ ना कि लपेट रहे हैं। हम तो साफ बात बता रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए भी और हरीश रावत जी के लिए भी बात कर रहे थे। आप लोग क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? सवाल होता है आपकी सरकार पे, आप पहुंच जाते हैं हरीश रावत पे। अब हरीश रावत इतने अच्छे मुख्यमंत्री होते तो जनता उनको दोबारा चुन लेती ना, बिल्कुल। और दो दिन जनता हरीश रावत जी लोकप्रिय नेता है उत्तराखंड के, और उन्होंने हमेशा विकास किया है, और विकास की बात करिए, आप अपना एक विकास उत्तराखंड के अंदर गिनवा दीजिए, मैं आपको 100 विकास गिनवा देता हूँ। देहरादून में जितने फ्लाईओवर बनाए वो हरीश रावत सरकार ने बनाए, महिलाओं को पेंशन दी, गुल मोहम्मद जी बेटी की शादी विषय पर आए, विषय पर आए, उन्होंने काम किया। आपकी सरकार ने अगर कोई काम किया है या विकास कार्य किए तो आप गिना दीजिए, मेट्रो सिटी लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हरीश रावत सरकार ने उत्तराखंड को दिया, मैं गिना रहा हूँ आपको विकास कार्य कांग्रेस के, आप गिनाइए एक विकास कार्य। ओके गुल मोहम्मद, अब ये मंच पे जाके गिनवाना ना, चुनाव हो रहा है, आप सुन लो मुद्दे पे आ जाओ, यहाँ हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाने आए हो क्या? एक मिनट रुक जाओ, वहाँ पवन जी धामी जिंदाबाद, आप हरीश रावत जिंदाबाद, मुद्दे पे आइए एक सेकेंड। उमा जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अब क्या चाहते हैं, बात नैतिकता की तो है नहीं, अब ये अटल जी तो है नहीं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे, आप चाहते क्या? ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसमें ये लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेश पर, ऑब्वियसली मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मैंने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया, ओएसडी साहब ने अपनी मर्जी से ये सब लिखा है, और अपनी जो पावर ओएसडी को जो दी गई थी मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से उसका उन्होंने गलत मिसयूज करते हुए उन्होंने ये चिट्ठी बना दी, और ये चिट्ठी जो है बागेश्वर के एसपी को दे दी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगा, ठीक है? अब ठीक है, उन्होंने जो बिष्ट जी हैं उनको आपने मतलब घर भी भेज दिया है, उनको आपने निलंबित भी कर दिया है, लेकिन इसके वाकई में कुछ स्तरीय जांच होना बहुत जरूरी है। अभी तो सिर्फ ये एक बिष्ट जी की चिट्ठी है कि जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेश, हो सकता है कि बीजेपी का हर दूसरे किसी श्रेणी का कार्यकर्ता अपनी ऐसी चिट्ठियां बनाए और उसमें लिखे कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेश, और उन आदेशों के अनुसार वो काम करवाता रहे, सरकारी ऑफिस में जाकर, खाली एसएसपी ऑफिस नहीं और भी तमाम सरकारी ऑफिस होते हैं जहाँ पर दुनिया भर के काम लोगों के पड़ते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी वाकई में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि ऐसी और कितनी चिट्ठियां इस समय
जो दूसरे जो सरकारी ऑफिसेज है वहाँ पर चल रही है मुख्यमंत्री जी के नाम से, और खुद मुख्यमंत्री जी को सामने आकर इस पर अपने पवन जी जवाब दे दीजिए, जनता के सामने इस पर वक्तव्य देना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं इस पर उच्च स्तरीय जाँच गठित करता हूँ, और वो जाँच कमेटी सिर्फ जाँच कमेटी ना हो, वाकई में मतलब उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। ओके पवन जी, अब पवन जी मैंने पहले ही कह दिया, जो अब ये मांग कर रही हो तो मैंने पहले ही कह दिया हम जांच कराएंगे, और जांच जैसी जो दोषी होगा वो उसका दोष सिद्ध होगा, वो जो उसकी जैसी सजा होगी वो भुगते, कानून अपना काम करेगा। अब जांच कौन सी स्त्री है वो भी बता दीजिए, किसकी की स्त्री की जाँच क्या किससे करा दे, हम केजरीवाल जी से करा दे जाँच। एक सेकंड पवन जी, पवन जी ये प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया, आपके जीवन काल में वो वक्त जरूर आएगा जब केजरीवाल जी पूरे देश की जांच किया करेंगे, टेंशन मत लीजिए। नहीं आने वाले आप खाली परेशान हो रहे हो बेकार। एक सेकंड आप मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं, आप मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता, आप पवन जी मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं, आई समझ में बात है, जब आपके दो एम पी जीते थे हम, अरे हमारा एक है, एक जनता की, मैं ये कह रहा हूँ, आप जनता को मैं ये कह रहा हूँ, लोग हैं आपने उत्तराखंड को भी घाव दिए, हिंदू मुस्लिम पवन जी पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों को घाव दिए हैं, हम दल इसका काम लेकर के आगे बढ़े हैं, हम जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं, फैलाकर आप लोग यहाँ तक पहुँचे, पूरे समाज में जहर भरकर आपको अपनी शांति का संदेश दे रहे हैं, एक उसके लिए आपका दर्द नहीं पवन जी, पवन जी अपना शांति का संदेश दे रहे हैं, ये पता क्या हो रहा है उमा जी, पता ये क्या हो रहा है पवन जी, क्या हो रहा है आप लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ वो मुद्दे पे आ जाए, मैं जो पहले कह रहा हूँ भाई साहब, जिस वो उस बात सवाल से बोल रहे, आप हर सवाल का जवाब केजरीवाल या हरीश रावत, केजरीवाल और हरीश रावत सवाल का जवाब नहीं होता ना पवन जी, हर सवाल का जवाब केजरीवाल और हरीश रावत, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ पहले सर सुन तो लीजिए, सर सवाल सुन लीजिए ना, तभी जवाब देंगे ना, मैं कह तो रहा हूँ, अरे ये एक मिनट लगाते हुए झूठा और अपनी गिरबान में झांको ये झांको वो झांको, तो हम कुछ ना बोले, हम चुप बैठे रहे, मेरा ये कहना है कि इन हमने पहले ही कहा कि वास्तव में गलत है, बहुत गलत है, और उस गलत का नतीजा ये है कि उसको बर्खास्त किया गया, हमारे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया गया, वहां बैठकर इसका दुरुपयोग किया गया, हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया, और जांच के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया, अब और क्या चाहिए, आपने इतने बड़े बड़े ऐसे घोटाले कर दिए जो समझ लीजिए हमेशा जनता उधर को पहुंचाएंगे, आप तो तब भी जांच नहीं करा पाए, हम तो एक छोटी सी चिट्ठी के लिए जांच कराने के लिए तैयार बैठे हैं, आप सत्ता में हैं, आप जांच करा लीजिए, आप सत्ता में, अच्छी तो, बात है ना सर, इसका संदेश हुए हैं तो सवाल पूछिए, एक सवाल सत्ता से सवाल पूछिए, नहीं यहाँ चिट्ठी बेईमान तो यही दिख रहे हैं, वो तो बहुत साफ चुके हैं, बेईमान तो यही दिख रहे हैं आपको सब, तो मैं कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ, तो जाके दिल्ली से हम भी तो कह रहे हैं हम जांच करा रहे हैं, मना किए डेपुटेशन फोर्स आप ही लोगों ने भेजी थी ना केजरीवाल जी के ऑफिस, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कम से कम 2000 सवाल सुन लीजिए, चिंता मत करिए आप, सवाल सुन लीजिए, सवाल उमारी आप चाह रहे हैं कि मैं सवाल ना पूछूं इस विषय पर, उमारी प्लीज, उमारी प्लीज, अरे हमें पता है सीबीआई जांच कैसी होती है, अरे आप पहले तो, मैं एक बात कह रहा हूँ जिस विषय पर मैं आना चाह रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए पवन जी सुन लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुद्दे पे आ जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई में किस तरह से यह हस्तक्षेप किया गया, क्योंकि एक मसला प्रशासनिक कार्रवाई है और दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, अगर इस लेटर में जांच करके उचित कदम उठाने का निर्देश दिया होता, यह कहा जाता कि भैया जांच करिए और उचित कदम उठाइए, तब बात समझ में आती, और इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का मौखिक आदेश का जिक्र करते हुए चालान को निरस्त करने की बात कही गई है, अब इसका संदेश पूरे के पूरे प्रदेश में क्या जाएगा कि मुख्यमंत्री जी क्या इस तरह का मौखिक आदेश देते हैं अगर कोई गाड़ी पकड़ जाए, और वो भी अवैध खनन वाली, अब जवाब दीजिए पवन जी, मेरा ये कहना है कि पहली बात तो इस प्रदेश का पूरा एक एक व्यक्ति जानता है कि मुख्यमंत्री इस तरह छोटे काम के लिए ना मौखिक आदेश देंगे और ना
लिखित में तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि यहाँ बैठ करके इस पद का दुरुपयोग किया इस व्यक्ति ने, इसलिए उसको बर्खास्त किया जाता है, इसलिए किया। तीसरा, अगर जांच की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, हम इसकी जांच कराएंगे, ये मामला यहाँ तक कैसे हुआ, यही तो बात हम भी कह रहे हैं। प्रशासनिक आज प्रशासनिक है, और जांच दोषी होगा तो कानूनी कार्रवाई भी बढ़िया वाली हो जाएगी, वो तो दूसरा भी करा देगा दोषी होगा तो, यही तो कह सकते हैं। ओके, गुल मोहम्मद आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, हर हाल में होगी। देखिए कार्रवाई होगी, ये तो सबका मामला है। आपके पहले भी यहाँ से चिट्ठी जारी क्यों हुई, ये तो प्रेमी तो दर्शाता है कि आप खनन प्रेमी हैं, और आपने एक खनन प्रेमी को बचाने के लिए चिट्ठी जारी करने की जरूरत पड़ी आपको। अरे ये वो वाला नहीं है, मुंह घुमा लेंगे आप, जो मर्जी लूट बता लेना, मैं मुंह फेर लूंगा, ऐसा नहीं हो रहा यहाँ। तो उन लोगों के लिए करते जो बेचारे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनके चालान कटते हैं, बहुत चिंता करी आपके पहले जारी होती है, उनकी उनकी रिक्वेस्ट होती है कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, उन्हें छोड़ दो, उनके जेब में पैसा नहीं है। तो वो जनता के हित में काम करने वाले की चिट्ठी जारी होती तो वो समझ आता। ज्यादा ही जनता, एक सेकंड पवन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामले की गंभीरता को आप लोग इस मामले से इस तरह से समझ सकते हैं कि कल को कोई अधिकारी एसएसपी अपने पद पर रहते हुए जब अवैध खनन को रोकने के लिए हंटर चलाए, हंटर मतलब कानूनी कार्रवाई करे, और उसके मनोबल पर अब क्या असर पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा आदेश तो नहीं आ जाएगा ऊपर से कि इनके चलान निरस्त कर दो। पवन जी, क्या मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा उनके? नहीं, मनोबल क्या है, तो गलत काम तो गलत है ना, दूसरे गलत क्या वो भूगेगा, और उसकी गलती है तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं गलती है, हम तो ये तो नहीं कर रहे हैं, नहीं उसने धोखे से कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा। मैं कह रहा हूँ उनके मनोबल का क्या, उनके मनोबल का क्या, जो अधिकारी इतनी हिम्मत रखते हैं कि अवैध खनन को रोक दे, उनके लिए तो दिक्कत हो गई ना कि ऊपर से आदेश ना आ जाए कि तीन कोई और ट्रैक्टर छोड़ दे, तीन ट्रक छोड़ दो, ओवरलोडिंग ट्रक है, चलान वो कैसे काट पाएगा, उसके अंदर हिम्मत कहां से आएगी कि जब ओएसडी इस तरह की चिट्ठी लिखकर कहे कि भैया इनको तीनों को चलान नष्ट कर दो। आज ये डिबेट इसलिए तो हो रही है ना, गलती की है और गलती का नतीजा उसको भुगता दिया है, उसकी जांच करेंगे। मनोबल अगर उसका मनोबल गिराना होता, उनका यही करना होता तो उसको बता देते, कोई तरीका ढूंढ लेते, उसको ट्रांसफर कर देते, कुछ कहीं और कर देते। हमने तो ऐसा नहीं किया ना, बताने का काम किया नहीं ना, मनोबल ना गिरे इसलिए उसको बर्खास्त किया। आपके मुख्यमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं है कि जनता मानती है कि मुख्यमंत्री छोटे से काम के लिए नहीं मुख्यमंत्री फोन करने वाले हैं, ना मुख्यमंत्री लेटर लिखने वाले। आप ये कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। ओके उमा जी वो ये कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, ये भी मुद्दा नहीं है। पवन चौहान जी बार बार एक बात पे बहुत जोर दे रहे हैं, मैं भी लगातार सुन रही हूँ, शायद आपने भी इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि इतने छोटे से काम के लिए मुख्यमंत्री जी नहीं लिखेंगे, यानी कि ये जो काम है ये तो नीचे वाले भी कर सकते हैं, उनके ओएसडी कर सकते हैं, उनके संगठन के लोग कर सकते हैं कि भाई जाओ एसएसपी साहब को जरा लिख दो कि भाई ये जो दो चार चलान है इनको जरा हटा दें, यानी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं वो तो बड़े भ्रष्टाचार में सामने आएंगे, कोई बड़ा भ्रष्टाचार होगा वहां मुख्यमंत्री जी लिखेंगे। पवन जी आप अपने शब्दों पर थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए कि आप बार बार बोल रहे हैं कि इतने छोटे से काम के मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे, यानी कि इतने छोटे से काम का आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी कर देगा, उसके लिए मुख्यमंत्री क्यों परेशान करना, इतना छोटे से काम तो पवन चौहान जी भी कर देंगे कि भाई ठीक है लिख दो एसएसपी को, एसएसपी हुए या डीएम हुए इसका मतलब ऑफिसर्स की तो आप लोगों के सामने कोई औकात ही नहीं रही। बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं एंकर महोदय कि जिस अफसर ने इनको चालान किया है, जिस अफसर ने गाड़ियां जब्त की है उसके मनोबल पर कितना प्रतिकूल प्रभाव इस समय पड़ रहा होगा। मैं आज इस डिबेट के माध्यम से पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करती हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, पता चले कि मुख्यमंत्री जी ने कहा या नहीं कहा। और मैं चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने हो सकता है ना बोला हो, लेकिन उनके नीचे का जो ये पूरा स्टाफ है जिसने पूरे उत्तराखंड को इस तरह से अपनी सत्ता की हनक में जिस तरीके से दबा रखा है हमारी अफसरशाही को, उसका भी कंट्रोल होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए।
पिछले स्टेट में है। बोल मोहम्मद, अब आप रख लीजिए अपनी बात। हेलो, मैं बोलूं? गुल मोहम्मद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, एक सेकंड। हाय जी जी, आप किस तरह की जांच चाह रहे हैं? देखिए, जांच का विषय नहीं है जांच। अब जब एक चिट्ठी माने मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जारी होती है, गाड़ी छुड़ाने की रिक्वेस्ट होती है, तो वो जांच तो बात की बात है, ऐसा हुआ क्यों जो नहीं होना चाहिए था? अगर होना था तो उस गरीब जनता के लिए होना चाहिए था, उन लोगों के लिए होना चाहिए था जो एक्चुअल इसके हकदार हैं। आपने आपने आपके विभाग में इसका मतलब तो आप फिर वही बात आ जाती है, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, आपको प्रेम है ना, और जब प्रेम होता है तो आप किसी हद तक भी उस प्रेम को अपने आप में साबित करने के लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और यही प्रेम की आज तक दिशा रही है कि जिससे प्रेम हो गया उसके लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। बात 2-4 हजार, 5 हजार, 50 हजार की नहीं होती, प्रेम में ये सब नहीं देखा जाता, प्रेम में सिर्फ ये देखा जाता है कि आखिर एक रुपया कैसे बचे जिससे मैं प्रेम करता हूँ। तो बात सवाल प्रेम का है, प्रेमी है, खनन प्रेमी है, और ये आज उत्तराखंड की जनता को समझ आ गया, उत्तराखंड की जनता के सामने है ये चीज। और जांच का विषय तो तब हुआ जब वो चिट्ठी। मैं आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ पवन चौहान जी। हो गया, बोल मोहम्मद जी। एक सेकंड पवन चौहान जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि इस पूरे मसले को लेकर, देखिए अब ये लेटर देखिए अब घर घर तक पहुंच गया है ना, आजकल वो व्हाट्सएप पर वायरल यूनिवर्सिटी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं बहुत जगह है, वो 5-5 हजार रुपये में पट्टे रखे जाते हैं और 50-50 हजार रुपये तक उनको किराया दिया जाता है, वो यही काम करते हैं, वो यही काम करते हैं कि इसकी और उसकी जो है वायरल करते रहो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप विश्वास कैसे जिताएंगे जनता को, जनता को कैसे विश्वास में लेंगे कि नहीं नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं है कि मौखिक आदेश दिया और अवैध खनन को लेकर उन्होंने कार्रवाई करने से रोक दिया, अवैध चालान काटने से रोक दिया। देखिए, मैं बोलूं, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी पवन जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं मेरा ये मानना है, पहले तो मैं ये बता दूं, जो अभी हमारे फूल मोहम्मद, क्या फूल मोहम्मद साहब है, वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा धोखा हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब वो भोपाल गैस कांड हुआ था, वाहिद आजम बैठा के उसको विदेश छोड़ा, इटली छोड़ा है, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। जब वहाँ रात में या आधी रात में सुप्रीम कोर्ट, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कानून को बदल डालते हैं, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। ओके पवन जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, व्यक्ति ने गलती की लेकिन उसका खामियाजा। लेकिन देखिए आप पवन जी, कभी आप हरीश रावत पहुंच जाते हैं, कभी आप केजरीवाल पहुंच जाते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं तो सर, ये सर, हाँ ओके 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 पवन जी, सब जानते हैं, सब ये पब्लिक है, ये सब जानती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी आपका भी, पवन जी आपका जी, और गुल मोहम्मद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वाकई उत्तराखंड पूछ रहा है कि इस चिट्ठी का राज क्या है, इस पत्र की हकीकत क्या है, और क्या वाकई में इस तरह की चिट्ठियां मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखी जा रही है? मुख्यमंत्री को इस मामले की गंभीरता से जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।